इस वीडियो में हम लोग पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, पेयर ऑफ लाइंस, कोणों का युग्म, जिसमें हम लोग पूरक कोण और समपूरक कोण को समझने की कोशिश करेंगे। पूरक कोण, इसे कोटिपूरक कोण भी कहते हैं। जी हाँ, कंप्लीमेंट्री एंगल, दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो तो उसे पूरा कोण कहते हैं। मान लीजिए आपके पास ए बी सी, एक कोण 40 है और बी डी बी ए पर लंब है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 90 डिग्री का कोण है। डी बी ए 90 डिग्री का है। तो देखिए यहाँ का ये जो कोण 40, तो ये हो गया 50। 40 और 50 दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा है? 90 डिग्री, एक समकोण हो रहा है। तो इस कोण को पूरा कोण कहेंगे। तो मेजर ऑफ एंगल ए बी सी कितना है? 40 है। और मेजर ऑफ एंगल डी बी सी कितना है? 50 है। ये दोनों आसपास के कोण हैं, क्योंकि बी सी इन दोनों में आता है, इसीलिए लोग संलग्न कोण या एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। कहने की बात क्या है? अगर दो कोण हो ए और बी और इन दोनों का योगफल 90 डिग्री हो, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। अगर ये 30 है तो ये वाला कितना होगा? 60 होगा। ये अगर 70 है तो ये वाला कितना होगा? 20। दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग समपूरक कोण पर चर्चा करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सी बी डी, यह कोण अगर 30 है, ठीक, तो इसका इस साइड में बढ़ा देंगे अगर, तो इधर में जो कोण बना वो कितना हो रहा है? 150 हो गया, क्योंकि यह एक सरल रेखाखंड हो गया ए बी सी। तो यहाँ पे जो पूरा कोण बनेगा वो कितना होगा? 180 डिग्री का बनता है। तो मेजर ऑफ एंगल सी बी डी, इस कोण का मान कितना है? 30 डिग्री। और मेजर ऑफ डी बी ए, तो इस कोण का मान कितना हो गया? 150। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एंगल ए बी सी इज नथिंग बट 180 डिग्री। तो इसी तरह से अगर समझ लीजिए, एक लकीर है और इस पर एक लाइन खड़ी है, रेखाखंड खड़ी है, तो ए और बी दोनों कोणों का योगफल कितना हो रहा है? 180 डिग्री। तो दो कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण, और दो कोणों के योगफल अगर 90 डिग्री हो तो पूरक कोण। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? देखिए अगर हिंदी को पकड़ेंगे तो प पहले आता है, स बाद में आता है, वर्णमाला जब पढ़ेंगे तो इसमें इसीलिए प के लिए 90 पहले, संपूरक के बाद में आता है स, इसलिए इसके लिए 180। इंग्लिश में भी कंप्लीमेंट्री, सी पहले आता है तो 90 डिग्री, और एस बाद में आता है इसलिए 180 डिग्री। इस तरह से आप कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।